हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, यू सी सुबोजी द कैम बैक विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज का जो वीडियो है, आप लोगों ने तो यार थंबनेल तो देख ही लिया, हेयर से रिलेटेड होने वाला है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एक हेयर स्प्रे के बारे में। यार आप लोग जब कोई हेयर स्टाइल करते हो तो थोड़ा टाइम बाद गिर जाता है, तो बाल एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है, तो यार सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो हेयर है एक जगह पर होल्ड रहे और दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे, तो यार इस वीडियो को फुल देख लो। आज जो मैं हेयर स्प्रे के बारे में बात करेंगे वो है उर्बन गागरू का, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो हेयर स्प्रे है यार बहुत अच्छा है, और मैंने इसे खुद पिछले एक मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो यार मुझे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मैं इसका होल्ड की बात करूं तो यार बहुत कमाल का होल्ड देता है, कि एक बार इसे आप यूज़ में ले लोगे तो 24 हर्ट्ज तक ये चल जाएगा। यूज़ करके कुछ भी करो, कोई भी आपका जो हेयर है पहले जैसा ही रहेगा, ठीक है, ये घट नहीं जाएगा। और इसका जो खुशबू है बहुत अच्छा खुशबू है, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब इसका प्राइस का बात करते हैं तो ये 250 ml का आता है और इसका प्राइस जो है 335। इसे आप रेगुलर में यूज़ में लोगे तो यार आराम से एक मंथ तक आराम से चला जाएगा। जो साइड इफेक्ट का बात करें तो यार इसे जो है थोड़ा बहुत अल्कोहल इसमें मिला गया है, जो कि यार डेली का डेली इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप जब लोग इसे समझो यार काम में जाते हैं कि पार्टी वार्टी में जाते हैं तभी इसे जो है यूज़ करना, क्योंकि यार घर में आप बेकार बैठे हैं तो इसे लगा लिया और छोड़ दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि यार अल्कोहल इसे थोड़ा बहुत है। लेकिन और भी जो प्रोडक्ट है हेयर स्प्रे में, तो वो जो प्रोडक्ट है वहाँ पर और भी ज़्यादा अल्कोहल है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें थोड़ा बहुत कम है, लेकिन वो जो है साइड इफ़ेक्ट मुझे अभी तक नहीं कुछ देखने मिला। तो गाइस आप बात करते हैं इसे आप यूज़ कैसे करना चाहिए। तो जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर तरीका से हेयर को सेट करना पड़ेगा, और आप चाहे तो वैक्स भी यूज़ करते हैं हेयर में तो उसे भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो है आपको हेयर है एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ठीक से प्रॉपर तरीके से जब आप हेयर को सेट कर लेंगे उसके बाद ही इसे हेयर में लगाना पड़ेगा। नहीं तो इसे जो जब आप स्प्रे कर दोगे तो यार जैसा स्प्रे कर दिया ऐसा ही रह जाएगा, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हेयर को ठीक से फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे यूज़ करना चाहिए। इसे आप जब भी हेयर में अप्लाई करोगे तो आपको एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि आई में ना पड़े, और इसे जो है दूर से यूज़ करना पड़ेगा। और दूर से जब आप इसे यूज़ करोगे तो यार जो लेदर और स्कैल्प रूट में नहीं पड़ेगा, और दूर से जब आप इसे यूज़ करोगे सिर्फ हेयर में ही लगेगा, स्कैल्प लेदर और रूट में नहीं लगेगा। आपको जो लेदर में लगेगा तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो यार कोई भी हेयर प्रोडक्ट मैंने जो पिछले वीडियो में बनाया था वहाँ पर भी मैंने बोला था, तो आपको जो है ऐसे करके यूज़ करना चाहिए, इतना दूरी से आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इतना दूरी से ही आपको यूज़ करना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ इसे आप पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोने जाओगे रात को तो आपको हेयर को जो है वॉश करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हेयर फिर से मैनेजेबल बने और फिर से शाइन कर सकते हैं। इसे बाय करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो यार चैनल वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।